to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging grid contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for date till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Very, very good evening, my dear students. Very, very good evening, all of you. बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल अनअकैडमी पे. वेरी वेरी वार्म वेलकम. वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए बच्चों, क्वेश्चन सीरीज 5. जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन फंसने का एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है. बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए बच्चों. तो सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी से बनाते रहिए और प्रैक्टिस सेशन मेरे साथ जुड़े रहिए. आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है. ओके, चलिए बच्चों आ जाइए एकदम आराम से. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ. जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए, और लड़के आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा हम लोगों को. मैक्सिमम लड़के अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. ओके, तो सचिन जी आपने ज्वाइन कर लिया क्या? सचिन, हैव यू ज्वाइंड द सेशन और नॉट? चलिए बच्चों, तो HPCL एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, NMDC IES एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में हम लोग हैं बच्चों. आ जाइए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत. 35 से 40 मिनट का बच्चों सेशन है. 25 से 30 क्वेश्चन आपको मैं याद करवा दूंगा. अभी बात करते करते हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी एग्जाम दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा. कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे IES उठा लीजिए, चाहे गेट उठा लीजिए, चाहे इसरो उठा लीजिए, चाहे BARC उठा लीजिए, पूरे के पूरे इंजीनियरिंग ब्रांच को अगर आप देखें, जितना भी सब्जेक्ट है उसमें, मैकेनिकल में, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? मैन्युफैक्चरिंग का. तो मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छा कमांड होना बच्चों किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये जिम्मेदारी मैंने ले ली है आपकी. मैं आपके मैन्युफैक्चरिंग को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है. मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, स्पेशल क्लास को और मेरे यूट्यूब लेक्चर्स को और मेरे प्लस लेक्चर्स को. तो आप मेरे स्पेशल क्लास को कैसे बच्चों देख सकते हैं?
मेरे बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो दिस इज माई प्रोफाइल माई डियर स्टूडेंट्स। मेरा बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी रांची से है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, और मेरा सिलेक्शन हुआ IIT कानपुर में मास्टर्स के लिए बच्चों। तो मैंने मास्टर्स और बीटेक दोनों मैन्युफैक्चरिंग में ही किया और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज है बच्चों। अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो देन यू विल रियलाइज ऑटोमेटिकली 10-15 लेक्चर्स देखने के बाद, 4-5 लेक्चर्स देखने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो स्पेशल क्लास सुबह में 9 बजे लड़के ज्वाइन करते हैं, आप भी आइए, आपको इनवाइट है। कल मैं ग्राइंडिंग पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो सुबह 9 बजे अगर आप आएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप ग्राइंडिंग पढ़ सकते हैं वहाँ पे। उसका सारा MRR क्या होता है, उसका टाइम ग्राइंडिंग टाइम कैलकुलेशन क्या होगा, ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है, ग्राइंडिंग टूल सिग्नेचर्स क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, सारी चीजें कल पढ़ाएंगे। तो आइए, आप सभी का आप सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ, आ जाइए। ओके, तो दिस इज अबाउट मी माई डियर फ्रेंड। और अगर आप कैसे मेरे स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे फ्री क्लासेस को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे आपको वहां पे मिलेगा डेली लाइव क्लास, डेली सारे एडुकेटर्स का लाइव क्लास है, लाइव टेस्ट है, क्विजेज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, पूरा इंजॉय कर सकते हो, राइट। और आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं वहां पे, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बच्चों हमारा प्लान है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, ये पर्सनल कोच आपको मेंस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, आपके स्टडी को ट्रैक करेगा, आपको सारी बेनिफिट्स देगी, प्लस की वो तो रहेगी, क्विजेस देगा, स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेगा, और आपके आपका वीकली टेस्ट में आपका मार्क्स क्यों कम आ रहा है, आपका प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, ये सारे चीजें पर्सनल कोच आपके देखेंगे। और मैं आपका, अगर आप IAS10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मैं आपका मेंटर बन जाऊंगा। तो मैं और पर्सनल कोच दोनों आदमी बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, और आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, दोनों आदमी मिलके आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा बनाएंगे। और जब तक आपका रिजल्ट नहीं होता, कहीं आपको जॉब्स नहीं मिल जाती है, आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे, चाहे फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आपको आ रहा है, कोई नोटिफिकेशंस आ गया उसका फॉर्म भरो, एलिजिबिलिटी, हर चीज आपको ऑन फोन पे 24/7 आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों, अगर आप IAS10 कोड यूज करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। ओके, तो हमारा 2 तरह का प्लान है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक, दोनों प्लान बच्चों आप ले सकते हैं अनअकैडमी पे। दिस इज माई प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है बच्चों, हो सकता है आप मेरा नाम खोजे तो आपको प्रोफाइल नहीं मिले, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिंक के थ्रू आप मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी का मिल जाएगा, और वहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद सी ऑल में जाके मेरे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, तो प्लस कोर्सेस में भी जाके बच्चों देख सकते हैं। तो ये बहुत सारा बैचेस बच्चों स्टार्ट हुआ है, गेट 2023 के लिए, गेट 2022 के लिए बहुत सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए, बैच डी, बैच ई, बैच एफ, ये सारे बैचेस को आप IAS10 कोड यूज करके बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लस बैचेस में बहुत सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हुए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी हमारे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो दोनों प्लान है हमारा, प्लस का है 12 मंथ 18 मंथ एंड 24 मंथ। इस तीनों का आप प्लान ले सकते हैं, कॉस्ट आपका बहुत ही नॉमिनल है, IAS10 यूज करने के बाद आपको कॉस्ट आएगी 12 मंथ की 27,000 रुपए, 18 मंथ की 34,000 रुपए, और 24 मंथ की बच्चों 39,000 रुपए। और आपको EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है, वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे तो EMI है लगभग 2200 रुपए का, और 1900 रुपए का, और 1600 रुपए पर मंथ, मतलब 1600 रुपए हर महीने ट्यूशन फी की तरह आप देखे अनअकैडमी पे प्लस कोचेज में पढ़ सकते हैं, प्लस कोर्सेज में। दूसरा हमारा बच्चों आइकॉनिक प्लान, आइकॉनिक में आपको 12 मंथ्स का कॉस्ट है, IAS10 कोड यूज करने के बाद AYAZ10 45,000 रुपीज, और 24 मंथ्स का 66,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, अगर वन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो EMI ऑप्शंस में मंथली पेमेंट कर सकते हैं, मंथली पेमेंट भी बहुत ही नॉमिनल है, 3,769 रुपीज एंड 2,775 रुपीज, तो बहुत ही नॉमिनल है बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले। चलिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने सेशन को आज के, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज सेशन प्रोडक्शन का। ये आपको इसरो में भी काम आएगा, IES में भी काम आएगा, गेट में भी काम आएगा, कोल इंडिया में भी काम आएगा, NMDC में भी काम आएगा, SSC JEE में भी काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा बच्चों। चलिए प्रॉब्लम नंबर वन, जल्दी से आंसर बताइए, प्रॉब्लम नंबर वन जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइए। चलिए सारे लड़के, प्रॉब्लम नंबर वन जल्दी से, गाइस टेल मी द राइट आंसर, चलो जल्दी।
सारे लड़के जल्दी से मुझे आंसर बता दे एवरीवन, क्या कह रहा है? चलो करते हैं हम लोग नाउ। कह रहा है इन एसी इन ईसीएम द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर। मटेरियल रिमूवल रेट हमारा हायर होता है कब? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ईसीएम का आपको मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला मालूम है? हमारा ईसीएम का एमआरआर होता है ई आई बाई रो एफ। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? आपका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। क्या होता है? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो ये आपका आ जाएगा ई आई बाई वैलेंसी, वैलेंसी इंटू रो इंटू एफ, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। राइट, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो राइट आंसर बच्चों क्या आपका? ये डिपेंड करता है एटॉमिक वेट पे, मतलब केमिकल वेट पे। तो राइट आंसर इज द डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके बच्चों, पिक्चर क्लियर? द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर द मेटल विद लार्ज केमिकल वेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाइए सारे लड़के। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है इन यूसीएम इन यूएसएम इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द मटेरियल रिमूवल रेट उड 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 विद इंक्रीज इंक्रीजिंग मीन डायमीटर। क्या बोल रहा है ये? इन यूएसएम द मटेरियल रिमूवल रेट उड उड डैश विद इंक्रीजिंग द मीन उड डैश विद इंक्रीजिंग द मीन ग्रेन डायमीटर ऑफ द एब्रेसिव्स। तो इसका आंसर है बच्चों की मीन ग्रेन डायमीटर ऑफ द एब्रेसिव्स। तो ग्रेन डायमीटर के साथ इसका ग्राफ होता है बच्चों, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। यूएसएम में याद रखिएगा ऐसा ग्राफ ऐसे आता है, फर्स्ट ग्रेन साइज के साथ फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। एमआरआर जो होता है आपका ये ऐसा आता है, ऐसा याद रखिएगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। यहां पे आएगा आपका मीन ग्रेन डायमीटर, मीन ग्रेन डायमीटर, मीन ग्रेन डायमीटर के साथ क्या आएगा बच्चों? एमआरआर को अगर आप देखेंगे, याद रखिएगा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमआरआर के साथ ये क्या होगा? ग्रेन डायमीटर बढ़ेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। राइट आंसर इज योर इंक्रीज देन डिक्रीज। राइट, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एमआरआर यूएसएम का था। नेक्स्ट जल्दी से बता दीजिए बच्चों क्या कह रहा है एवरीवन। बोल रहा है कि इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर मटेरियल विद, जल्दी से, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एमआरआर द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर। किस मटेरियल के लिए मटेरियल रिमूवल रेट आपका हायर होगा? तो याद रखिएगा यूएसएम हम लोग करते हैं जनरली ब्रिटल मटेरियल। कैसा करते हैं? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग करते हैं, यूएसएम करते हैं ब्रिटल मटेरियल, जैसे ग्लास वगैरह का। राइट, तो आपका ब्रिटल मटेरियल का क्या होता है? लोअर टफनेस, लोअर टफनेस की टफनेस एकदम कम है। राइट, इसी के लिए इसको करते हैं, जैसे ग्लास, ग्लास के लिए हम लोग यूएसएम को यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोअर टफनेस। तो वैसा मटेरियल जिसका टफनेस बहुत कम है उसमें एमआरआर क्या होगा बच्चों? आपका ज्यादा होगा। एमआरआर क्या होगा आपका बच्चों? ज्यादा होगा। करेक्ट, चलिए इसका आंसर बताइए एवरीवन। नेक्स्ट आंसर मुझे जल्दी से बताइए सारे लड़के एवरीवन। लोअर टफनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका ये करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए सारे लड़के, क्या कह रहा है एवरीवन? कह रहा है आपसे इन ईडीएम द टूल इज मेड अप ऑफ। ईडीएम में टूल किस चीज का बना होता है बच्चों? ईडीएम में टूल किस चीज का बना होता है? ईडीएम में, ईडीएम में टूल किस चीज का बना होता है? जल्दी बोलो बच्चों, ईडीएम में टूल किस चीज का बना होता है? एवरीवन टेल मी, ईडीएम में टूल किस चीज का बना होता है? कोई बता ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। ईडीएम में याद रखना टूल बना होता है कॉपर का। इन ईडीएम इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग द टूल इज मेड अप ऑफ कॉपर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये बताइए जल्दी से। कह रहा है डीप होल ड्रिलिंग, डीप होल ड्रिलिंग ऑफ ए स्मॉल डायमीटर, स्मॉल डायमीटर डीप होल ड्रिलिंग करना है 0.2 mm इज डन विद ईडीएम बाई सेलेक्टिंग द टूल मटीरियल। फिर कह रहा है कि कौन सा टूल मटीरियल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जल्दी से बोल रहा है। डीप होल ड्रिलिंग ऑफ ए स्मॉल डायमीटर, बिल्कुल सही, टंगस्टन, भानु प्रताप टंगस्टन, बिल्कुल सही, टंगस्टन वायर का इस्तेमाल करके डीप होल ड्रिलिंग अगर हमें करना है, डीप होल ड्रिलिंग ऑफ ए स्मॉल डायमीटर से 0.2 mm इज डन विद ईडीएम बाई सेलेक्टिंग द टूल मटीरियल, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? टंगस्टन वायर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। राइट, चलो नाउ एवरीवन, नाउ कम नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए ये बताइए मुझे, इन ईसीएम द एमआरआर इज ड्यू टू, इन ईसीएम द एमआरआर इज ड्यू टू। ईसीएम में एमआरआर क्यों होता है बच्चों? कोरोजन की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है कोरोजन की वजह से। फ्यू इरोजन, स्पार्क इरोजन भी नहीं होता है आपका। किसकी वजह से होता है एवरीवन? किसकी वजह से होता है एवरीवन? जल्दी बताइए किसकी वजह से होता है ये?
किसकी वजह से होता है? राइट आंसर क्या है इसका? फ्यूजन की वजह से भी नहीं होता, दैट इज द आयन डिस्प्लेसमेंट। किसकी वजह से होता है? आयन डिस्प्लेसमेंट। ईसीएम में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में आपका जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो आयन डिस्प्लेसमेंट पे क्या करता है? डिपेंड करता है, ओके, ड्यू टू आयन डिस्प्लेसमेंट। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना यहाँ पे। चलो ये बताओ नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 3-2-1 प्रिंसिपल, 3-2-1 मेथड ऑफ लोकेशन इन जिग्स और फिक्चर्स वुड कलेक्टिवली रेस्ट्रिक्ट द वर्कपीस इन एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्ट करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मतलब अरेस्टेड, नंबर ऑफ अरेस्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। जल्दी बच्चों, नंबर ऑफ 3-2-1 प्रिंसिपल में नंबर ऑफ अरेस्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? अरेस्टेड, नंबर ऑफ अरेस्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। जल्दी बच्चों, 12 होता है, 12 नहीं होता है, 12 नहीं होता है, 12 नहीं होता, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम, रिस्ट्रिक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रिस्ट्रिक्टेड जो होता है आपका वो होता है 9 आपका रिस्ट्रिक्ट होता है, और नंबर ऑफ अलाउड डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलाउड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों? अलाउड होता है 3, अलाउड होता है 3। याद रखिएगा राइट आंसर इज रिस्ट्रिक्टेड है मतलब 9 इज द राइट आंसर। तो 9 हमारा क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्ट रहेगा, याद रखिएगा ये बहुत। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होता है 3-2-1 प्रिंसिपल में। चलो ये बता दो मुझे क्या कह रहा है, द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इन ईडीएम प्रोसेस। ईडीएम प्रोसेस में कौन सा मैकेनिज्म है मटेरियल रिमूवल का? तो याद रखिएगा ईडीएम में आपका क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर होता है, स्पार्क इरोजन होता है, और उस स्पार्क इरोजन से क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन, मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। तो कोरोजन तो होता ही नहीं है, कोरोजन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, कैविटेशन का भी कोई मीनिंग नहीं है, कैविटेशन यहाँ पे थोड़ी होता है। तो मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन, और अगर मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन नहीं दिया रहता तो इस पे क्या करते हैं? स्पार्क इरोजन, स्पार्क के वजह से इरोड होता है, और उसी इरोजन की वजह से क्या होता है? मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग के बाद इवेपोरेट होता है उसी जगह पर से, राइट? तो स्पार्क इरोजन। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये बताओ मुझे, ए टूल एंड वर्कपीस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इन ईडीएम प्रोसेस। जल्दी जल्दी ये 10वां का आंसर बताइए बच्चों कि ए टूल एंड वर्कपीस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इन ईडीएम प्रोसेस। तो क्या होगा अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है टूल वर्कपीस? तो नो रिलेटिव मोशन अकर बिटवीन देम, नो वियर टेक्स प्लेस बिटवीन देम, नो पावर कंज्यूम्ड, या नो वर्क, नो फोर्स बिटवीन द टूल एंड वर्क अकर। कोई फोर्सेस अगर कांटेक्ट में ही नहीं है बच्चों तो हमारा किसी भी तरह का वहां पे क्या आएगा? दोनों के बीच में कोई फोर्सेस नहीं आएगा ईडीएम में, ओके? तो नो फोर्स बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, ये ईडीएम में याद रखिएगा, टूल और वर्कपीस के बीच में कोई फोर्स अकर नहीं होता है। ये सब वन लाइनर है, एग्जाम में बच्चों आता रहेगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ईडीएम पढ़ा रखा है मैंने। आइए नेक्स्ट बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए 10 mm स्क्वायर होल, ए 10 mm स्क्वायर होल कैन बी कट इन अ 2 mm थिक ग्लास प्लेट। इसका आंसर बताओ कि ग्लास प्लेट में अगर 10 mm तुमको ये बनाना है कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? ग्लास प्लेट में बनाना है बच्चों, ग्लास प्लेट में ईसीएम करोगे भानु? ग्लास प्लेट में ईसीएम कर दोगे? ग्लास क्या है? ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल है। ग्लास क्या है बच्चों? ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल में ईडीएम करेंगे? बोलो, ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल, इसमें क्या करेंगे? दैट इज योर यूएसएम, दैट इज योर यूएसएम। ए 10 mm स्क्वायर होल कैन बी कट इन अ 2 mm थिक ग्लास प्लेट, राइट? दैट इज योर यूएसएम, ओके? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, ये मैचिंग है, सारे लड़के बताइएगा, ये मैचिंग है, ये आपको मैच द फॉलोइंग है, सारे लड़कों को बताना है, ए को किससे मैच करें, बी को किससे मैच करें, जल्दी से, ये मैचिंग है, जल्दी से बताइए एवरीवन, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा इसका आंसर सारे लड़के, मैच द फॉलोइंग, सारे लड़के जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैच द फॉलोइंग प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी एवरीवन। ए का क्या होगा? चलो कास्टिंग, कास्टिंग का क्या होगा? सारे लड़के मैच करो, कास्टिंग का होगा फ्लूइडिटी। कास्टिंग का क्या होगा? अगर अगर किसी भी लिक्विड मेटल में फ्लूइडिटी नहीं है तो कास्टिंग उसका खराब हो जाएगा। तो ए का बच्चों हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा? 4, राइट? जिनको देखना है वो क्या करेगा आपका लेक्चर, वो YouTube पे डालेगा अयाज सर EDM, वो डालेगा अयाज सर ECM, YouTube पे लेक्चर आ जाएगा जिसको देखना है, राइट? चलो फोर्जिंग का क्या होगा बच्चों? फोर्जिंग, फोर्जिंग में क्या होता है? फोर्जिंग आप किसी भी चीज को कॉम्प्रेसिव लोड लगाते हैं, कॉम्प्रेसिव लोड लगाइएगा फोर्जिंग अगर कर रहे हैं। वायर ड्रॉइंग के लिए क्या चाहिए? डक्टिलिटी। तो वायर ड्रॉइंग के लिए जितना डक्टाइल होगा उतना अच्छा ड्रॉइंग होगा।
4G में कॉम्प्रेसिव लोड लगाइएगा तो मैलियबिलिटी, और टर्निंग क्या है, मशीनेबिलिटी, मतलब मशीनिंग ऑपरेशन है टर्निंग, राइट। तो इसका बात समझ में आया बच्चों, ये मैचिंग समझ में आया या नहीं समझ में आया? ए का कितना हो जाएगा 4, ए का 4, बी का बच्चों बी का 2, और सी का बच्चों वायर ड्रॉइंग का 1। वायर ड्रॉइंग की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, जितनी वायर की डक्टिलिटी अच्छी होगी उतना ज्यादा वायर ड्रॉइंग होगा, और टर्निंग का क्या, मशीनेबिलिटी। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट मैचिंग जल्दी से बताइए, नेक्स्ट मैचिंग जल्दी से बताइए बच्चों, क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग मशीन कंपोनेंट एंड मटीरियल यूज्ड, मशीन कंपोनेंट एंड मटीरियल यूज्ड, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए बच्चों। मशीन टूल बेड, मशीन टूल बेड को किससे करेंगे जल्दी, मशीन टूल बेड, मशीन टूल बेड, मशीन टूल बेड किस चीज का बना होता है जल्दी बोलो, मशीन टूल बेड किस चीज का बना होता है सारे लड़के? मशीन टूल बेड बना होता है कास्ट आयरन का, याद रखिएगा, मशीन टूल बेड बना होता है कास्ट आयरन का, राइट। चलिए ये तो हो गया, मशीन टूल बेड आपने कर दिया 4। उसके बाद मशीन टूल स्पिंडल, स्पिंडल किस चीज का बना होता है बच्चों, स्पिंडल किस चीज का बना होता है सारे लड़के? स्पिंडल हम लोग बनाते हैं फोर्जिंग से, याद रखिएगा, स्पिंडल किस चीज से बनाते हैं, फोर्ज्ड, फोर्ज्ड, राइट, फोर्जिंग से बनाते हैं। कटिंग टूल, कटिंग टूल इसमें से क्या है, हाई स्पीड स्टील, HSS इज योर कटिंग टूल। और वॉर्म व्हील बनाते हैं हम लोग किससे, ब्रॉन्ज से, वॉर्म व्हील बनाते हैं ब्रॉन्ज से। इसका राइट आंसर क्या आ गया बच्चा लोग, इसका राइट आंसर आ गया ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, और सी का हो गया 2, और डी का हो गया 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 करेक्ट है, 4 1 2 3। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए बच्चों, बहुत कम लड़के देख रहे हैं, थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए एवरीवन, थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए निशांत भानु एवरीवन। चलिए तो 4 1 3, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा बच्चों, एकदम याद रखना, ये मैचिंग में खूब आता है कि मशीन टूल बेड किस मटेरियल का बनाते हैं, कटिंग टूल किस मटेरियल का बनाते हैं, वॉर्म व्हील किस मटेरियल का बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा, आप हल्के में मत लीजिए, ये सब वन लाइनर डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड आएगा, आप इसको देखिए समझिए। अभी जो मैंने बताया कास्टिंग के लिए क्या अच्छी होनी चाहिए, फ्लुइडिटी, फोर्जिंग में क्या होगा मेलियबिलिटी, वायर ड्रॉइंग के लिए क्या होगा डक्टिलिटी, टर्निंग में क्या होगा मशीनेबिलिटी, राइट। तो ये सब आपको बनाने आना चाहिए, नहीं बनाने आएगा तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा जल्दी। नेक्स्ट जल्दी से ये बताओ, मैच द फॉलोइंग सारे लड़के, प्रोसेस दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सा मीडियम यूज करेंगे, कौन सा मीडियम यूज करेंगे जल्दी बता दो, ये मैचिंग में आएगा। ईडीएम में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या डाइलेक्ट्रिक या एब्रेसिव स्लरी या वैक्यूम, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ईडीएम में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाइलेक्ट्रिक, जल्दी से मैच कराओ, जल्दी से मैच कराओ मेरी आर्मी, नहीं मैच कराओगे। चलो ईडीएम में इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग, इसमें डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। ईसीएम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एब्रेसिव स्लरी यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में वैक्यूम यूज करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 करेक्ट, 2 1 3 4 राइट। चलिए बच्चों इसका आंसर बता दिए सारे लड़के, इसका आंसर बता दिए, बोल रहा है एसोसिएटेड डिफेक्ट या एसोसिएटेड प्रॉब्लम, मशीनिंग प्रोसेस में एसोसिएटेड डिफेक्ट या एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से सारे लड़के एवरीवन टेल मी जल्दी से। मशीनिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बच्चों, बिल्डअप एज, बिल्डअप एज आप पढ़े होंगे, 3 तरह का चिप्स बनता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस विद बिल्डअप एज। तो आपका क्या हो जाएगा, मशीनिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा क्या है, बिल्डअप एज बन जाता है, करेक्ट, बिल्डअप एज, ओके, मशीनिंग में। कास्टिंग में आ जाइए, कास्टिंग में बच्चों एक डिफेक्ट होता है, आप क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हॉट टियर, इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल डिफेक्ट, याद रखिए कास्टिंग का ये मेटलर्जिकल डिफेक्ट है बच्चों, ये एक तरह का मेटलर्जिकल डिफेक्ट है, ये सब आएगा एग्जाम में वन लाइनर में, मेटलर्जिकल डिफेक्ट, बना नहीं रहे हो तुम लोग, राइट, इट इज योर मेटलर्जिकल डिफेक्ट। उसके बाद आएगा बच्चों वेल्डिंग, वेल्डिंग में क्या होता है, हीट अफेक्टेड जोन का कॉन्सेप्ट आता है, किसका आता है, हीट अफेक्टेड जोन, सबसे कम सबसे मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन किसमें होता है, लेजर में, याद रखिएगा लेजर में। उसके बाद आपका क्या आएगा, रिंकलिंग, रिंकलिंग किसमें आता है, डीप ड्रॉइंग में, रिंकलिंग किसमें आता है बच्चों, डीप ड्रॉइंग ऑपरेशन में। तो इसका आंसर देख लीजिए, मशीनिंग का आपका हो गया ए का 4, बी का बच्चों कास्टिंग का आपका 3, कास्टिंग का 3, वेल्डिंग का बच्चों आपका 2,
वेल्डिंग का 2 और ड्रॉइंग का 1, तो 4-3-2-1 क्या है, 4-3-2-1 इज द राइट आंसर, 4-3-2-1। यहां तक क्लियर है सबको, एवरी वन यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। भानु प्रताप जी आप कंटिन्यूअसली एक बार लिखिए ना, एक एक लिखते हैं आप, एक बार लिखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का आंसर लिखिए, ऐसे मैं क्या समझूंगा, बी का 3 सी का 2, पहला क्वेश्चन का बता रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन का बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं, कंटिन्यू लिखे जा रहे हैं आप, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। आप क्वेश्चन नंबर 16 ए बी सी डी वैसे लिखिएगा ना। चलिए अब मुझे ये बताइए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है प्रोसेस है और एसोसिएटेड मैकेनिज्म। चलिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ब्रेजिंग, थर्मिट वेल्डिंग एंड मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ब्रेजिंग, थर्मिट वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, राइट राइट। जल्दी से बता दीजिए बच्चों इसका आंसर बता दीजिए। देखिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग जो है आपका, दैट इज योर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, याद रखिएगा। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या है बच्चों, सॉलिड स्टेट फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, ये सब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक है, शायद आप पढ़े होंगे वेल्डिंग तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। उसके बाद आएंगे आप ब्रेजिंग, ब्रेजिंग क्या है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों होता है, दोनों पॉसिबल है, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में बच्चों सॉलिड और लिक्विड दोनों पॉसिबल है, याद रखिएगा। अच्छा थर्मिट वेल्डिंग आपका क्या है बच्चों, थर्मिट वेल्डिंग अगर आपसे कोई पूछे कि थर्मिट वेल्डिंग क्या है, तो थर्मिट वेल्डिंग को आप बोलेंगे लिक्विड स्टेट केमिकल वेल्डिंग, क्या बोलेंगे, ये केमिकल वेल्डिंग है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम प्लस थर्मिट पाउडर, क्या होता है Fe3O4, राइट। तो ये हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट केमिकल वेल्डिंग, तो ये है आपका लिक्विड स्टेट केमिकल वेल्डिंग। और लास्ट वाला आपका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, लिक्विड स्टेट है, इसमें केमिकल नहीं यूज होता है, विदाउट केमिकल। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, केमिकल में लिक्विड स्टेट में कौन कौन आता है बच्चों, ARC, याद रखिएगा, लिक्विड स्टेट में आता है ARC, ए मतलब आर्क वेल्डिंग, आर मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग और सी मतलब केमिकल वेल्डिंग, ये तीनों आपका लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। अब पी मतलब प्रेशर वेल्डिंग सॉलिड स्टेट, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग सॉलिड स्टेट, कोल्ड वेल्डिंग सॉलिड स्टेट और डिफ्यूजर वेल्डिंग सॉलिड स्टेट, फ्रिक्शन वेल्डिंग सॉलिड स्टेट, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग क्या है, सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, तो इसको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है। तो चलिए एक्सप्लोसिव वेल्डिंग आ गया, मतलब ए का टू आ गया बच्चों, इससे क्वेश्चन आएगा बच्चों 100% आएगा, अगर इसरो का एग्जाम दीजिए, बार्क का एग्जाम दीजिए, IAS का एग्जाम दीजिए, सब में आएगा। ब्रेजिंग का बच्चों 3, सी का क्या आ रहा है हमारा, थर्मिट वेल्डिंग केमिकल वेल्डिंग है, लिक्विड स्टेट 4 और आपका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग मतलब 1, मतलब ये लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। तो 2-3-4-1 क्या आ गया, 2-3-4-1 करेक्ट है एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भानु, पर इस बार तुम सही बताए भानु, 2-3-4-1 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भानु। चलो इसका आंसर बताओ भानु, 17 का, जल्दी से बताइए सारे लड़के, 17 का आंसर एवरीवन, 17 का आंसर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा आप लोग बताएंगे 17 का आंसर। सारे लड़के बताइए 17 का आंसर, बहुत कम लड़के देख रहे हैं, कहां है सब, वीकेंड मना रहे हैं क्या, सब लड़के वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या दोस्त, वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, बहुत कम लड़के कहां हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, कहां हैं लड़के, सब आंसर नहीं बता रहे, HBCL नहीं निकालना है, NMDC नहीं निकालना है, कहां हो तुम लोग यार, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सब है ये सब। कोल्ड रोलिंग में क्या प्रॉपर्टी है, क्या यूज करते हैं कोल्ड रोलिंग में, जल्दी बताओ, मैचिंग है, जल्दी से मैच करके मुझे आंसर बताओ इसका। कोल्ड रोलिंग किस मटेरियल का अच्छा होगा, जिसकी डक्टिलिटी क्या होगी बच्चों, अच्छी, जितना ज्यादा डक्टाइल होगा उतना ज्यादा उसका कोल्ड रोलिंग अच्छा होगा, राइट। चलो मीलिंग मतलब क्या है, मीलिंग तो भैया हमारा मशीनेबिलिटी है, मशीनिंग प्रोसेस है, तो मीलिंग के लिए क्या होगा, गुड मशीनेबिलिटी होगा, तो मीलिंग अच्छी होगी। ब्रेजिंग के लिए क्या बोलेंगे, वेल्डेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वेल्डिंग टेक्निक है, ब्रेजिंग के लिए वेल्डेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट आता है आपका पाउडर मेटलर्जी, इसके लिए कॉम्पैक्टेबिलिटी, पाउडर मेटलर्जी में मतलब कॉम्पैटिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पैटिबिलिटी, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोल्ड रोलिंग का हो गया 3 और मिलिंग का हो गया 1, राइट, और आपका राइट, और आपका बच्चों ब्रेजिंग का हो गया आपका 2 और इसका हो गया 5, तो 3-1-2-5 क्या आ गया, 3-1 राइट, 3-1 ओके
चलिए बच्चों आई होप इट इज क्लियर। 3, 1, 2, 5 पिक्चर क्लियर है सबका? सबका क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3, 1, 2, 5 निशांत जी ये बता रहे हैं, 4, 1, 2, 5 चार बता रहे, कोल्ड रोलिंग का 4, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, जितना ज्यादा डक्टाइल होगा उतना ज्यादा एक्सपैंड करेगा राइट, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और कोल्ड रोलिंग में बच्चों कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होता है? कॉम्प्रेसिव एंड शियर। क्या होता है? कॉम्प्रेसिव एंड शियर, इसलिए भानु जी यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करेंगे राइट। चलिए आगे आ जाइए, चलिए इसका आंसर बताइए भानु जी क्या बोल रहा है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, वायर कट ईडीएम एंड केमिकल मशीनिंग, क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से मैच कराइए, जल्दी से मैच कराइए सारे लड़के। चलिए एब्रेसिव जेट मशीनिंग से हम लोग बच्चों क्या करते हैं? फाइन होल ड्रिल करते हैं, याद रखिएगा एब्रेसिव जेट मशीनिंग से फाइन होल ड्रिलिंग करने में इसको यूज करेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग से। उसके बाद आपका आएगा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कहां यूज करते हैं बच्चों? इनग्रेविंग करने में, इनग्रेविंग करने में याद रखिएगा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट। तो ये आ गया। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वायर कट ईडीएम, तो इसको ईडीएम जब भी आएगा तो डाई सिंकिंग और स्टैंपिंग ऑफ डाई, वायर ईडीएम मतलब स्टैंपिंग ऑफ डाई या डाई सिंकिंग। अब आएगा आपका केमिकल वेल्डिंग, तो केमिकल वेल्डिंग का बच्चों हम लोग यूज करेंगे मास्किंग के टर्म में, इसमें मास्किंग के टर्म में हम लोग क्या करते हैं? केमिकल वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर आ गया बच्चों ए का 5, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 राइट, दैट इज द राइट आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सुनो क्या कह रहा है। मैच द फॉलोइंग एब्रेसिव जेट मशीनिंग ईडीएम एलबीएम एंड यूएसएम। चलो इसको मैच करके जल्दी से मुझे आंसर बता दो कि क्या क्या आएगा तुम्हारा। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या यूज करते हैं जल्दी से एवरीवन टेल मी, एवरीवन जल्दी से टेल मी। चलो तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में बच्चों हम लोग नोजल यूज करते हैं। अगर आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग का डायग्राम याद होगा तो इसमें हम लोग नोजल यूज करते हैं। नोजल क्या यूज करते हैं? नोजल एब्रेसिव राइट, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? नोजल यूज करते हैं। अच्छा ईडीएम इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम में बच्चों अगर आपसे पूछेगा कि आप क्या यूज कीजिएगा ईडीएम में, तो ईडीएम में हम लोग यूज करते हैं वायर, वायर एज अ टूल राइट, वायर कट ईडीएम होता है ना हमारा, वायर एज अ टूल। अच्छा लेजर बीम मशीनिंग बच्चों आपको बोल रहा है, तो लेजर बीम मशीनिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट यूज करते हैं, लाइट, लेजर लाइट यूज करते हैं ना। वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम कहां यूज करते हैं? वैक्यूम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में, ओके इसमें यूज करते हैं लेजर लाइट। और उसके बाद लास्ट बचा यूएसएम, तो यूएसएम में बच्चों हम लोग यूज करते हैं हॉर्न राइट, यूएसएम में यूज करते हैं हॉर्न, इसको याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हॉर्न यूज करते हैं, आप उसका फिगर जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा हॉर्न कहां पे है राइट, मैंने जब पढ़ाया है तो बताया है। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग ये आपका हो गया आंसर इसका, दैट इज योर 5, बी का 2, 5, 2, 3, 1 5, 2, 3, 1 राइट, 5, 2, 3, 1 करेक्ट है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बताइए मुझे, ये बताइए कि एक रेल सेक्शन किससे बनेगा, प्लास्टिक शीट्स किससे बनेगा, एलन बोल्ट्स किससे बनेगा और पोरस बियरिंग किससे बनेगा, बियरिंग, बियरिंग किससे बनेगा जल्दी से सारे लड़के। ये एग्जाम में एकदम पेटेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। रेलवे का अगर आपको सेक्शंस बनाना है बच्चों तो आंख बंद करके आप बोलेंगे रोलिंग से, आंख बंद करके रेलवे, रेलवे का जो रेल सेक्शंस बनता है किससे बनता है? रोलिंग से बनता है, सारे लड़कों को याद होगा। अच्छा प्लास्टिक शीट बनाना है किससे बनाएंगे? कैलेंडरिंग से, कैलेंडरिंग मतलब कैलेंडर बनाना है तो एकदम शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लास्टिक शीट्स बनाते हैं बच्चों कैलेंडरिंग से, याद रखिएगा किससे बनाएंगे? कैलेंडरिंग से। उसके बाद आपका बच गया बच्चों बोल्ट, तो बोल्ट बनाते हैं हम लोग फॉर्मिंग से, मेटल फॉर्मिंग का, कोल्ड मेटल फॉर्मिंग का कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग हेक्सागोनल बोल्ट बनाते हैं किससे बनाते हैं? क्लोज डाई फोर्जिंग से, किससे बनाते हैं? क्लोज डाई फोर्जिंग से, याद रखिएगा क्लोज डाई फोर्जिंग से हम लोग हेक्सागोनल बोल्ट बनाते हैं राइट, क्लोज डाई फोर्जिंग से। अब आ गया बियरिंग, बियरिंग अगर कभी आ जाएगा एग्जाम में कि बच्चों बियरिंग किससे बनाते हैं तो आंख बन करके बोलिएगा पाउडर मेटलर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं? बियरिंग बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 1। तो अगर आप इसको अब देखें, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा बच्चों,
तो देखो ये क्या हो गया, इसका हो गया टू, इसका हो गया प्लास्टिक शीट कैलेंडरिंग, और बोल्ट्स हो गया कोल्ड फॉर्मिंग, और बियरिंग हो गया तुम्हारा पाउडर मेटलर्जी। तो 2 5 3 1 राइट, 2 5 3 1 इस तरह का मैचिंग में बच्चों भड़बड़ के क्वेश्चन आता है आप, क्योंकि अभी आप पढ़े ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि सामने वाला क्या बता रहा है। आप गेट का क्वेश्चन बैंक खोल के देखिए, हर साल प्रोडक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस डिफेक्ट्स, ये एक क्वेश्चन आना तय है मैचिंग में। आप क्वेश्चन बैंक खोल के देख लीजिए, गेट का चाहे इसरो का चाहे बार का कहीं का भी, तो आप इसको सीरियसली लीजिए, हल्के में मत लीजिए बच्चों, प्लीज इसको ध्यान दीजिए, पढ़िए, आप ही के काम का चीज बता रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, ये 21 का इसका आंसर बता दो, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग, राइट, इसका आंसर जल्दी से जल्दी से। चलो ईडीएम में क्या होता है बच्चों, स्पार्क इरोजन मतलब मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन, तो कोई चीज मेल्ट होगा हीट के वजह से, मतलब थर्मल इवेपोरेशन। तो इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग में आपका क्या होता है, मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन मतलब थर्मल इवेपोरेशन, करेक्ट है यहां तक। अच्छा दूसरा आपका क्या है बच्चों, ईसीएम इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या होता है आपका, डिसोल्यूशन होता है, आयंस ब्रेक होता है, जैसे आप इसका कर रहे हैं ना एफ ई का, तो ये एफ ई आपका ब्रेक होकर क्या देगा आपको, ये आपको देगा एफ ई टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसमें हो जाएगा आपका एनोडिक डिसोल्यूशन, एनोडिक डिसोल्यूशन। अब लास्ट आपका आ गया एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इसमें क्या होता है, इरोड होता है विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव, एब्रेसिव के मदद से इरोजन होगे, मटेरियल रिमूवल होता है। इसका आंसर क्या हो गया, 2 3 1, 2 3 1 इज द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 3 1। ईडीएम ईसीएम एंड एजेएम ये सब पढ़े होगे थोड़ा बहुत कॉलेज में बच्चों, अगर थोड़ा भी सीरियसली पढ़े होगे तो पढ़े होगे, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका आंसर जल्दी से सारे लड़के, इसका आंसर बताओ एवरीवन। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, बोल रहा है मशीनिंग ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, रूबी रॉड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एब्रेसिव स्लरी। तो मशीनिंग ऑफ कंडक्टिंग, सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल का ही आप कर सकते हैं। देखो रूबी रॉड दिया हुआ है मतलब लेजर, आंख बंद करके लेजर के लिए ही रूबी रॉड बोलते हैं, लेजर में ही हमारा रूबी रॉड आएगा। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कहाँ आएगा, ईसीएम में, ईसीएम में इलेक्ट्रोलाइट आता है। और एब्रेसिव स्लरी कहाँ आता है, यूएसएम में, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, एब्रेसिव स्लरी यूज कर सकते हैं, राइट। और कंडक्टिंग मटेरियल का हम लोग ईडीएम, ईडीएम में हमारा ईडीएम ईसीएम दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों में आपको जो मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग नेचर होना बहुत जरूरी है, टूल और वर्कपीस दोनों इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होना चाहिए ईडीएम और ईसीएम में। तो ईसीएम को हमने मैच कर दिया इलेक्ट्रोलाइट से, तो आंसर इसका देखिए बच्चों, ए का आपका क्या हो गया, ए का हो गया बच्चों ईडीएम, तो ए का हो गया आपका टू, ए का टू, और बी का बच्चों आपका लेजर, बी का फोर, तो ए का टू बी का फोर, राइट, ए का टू बी का फोर एंड सी का वन, तो ए का टू बी का फोर सी का वन एंड डी का थ्री, डी का थ्री, तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। सी समझ में आया सबको, बोलो सबको समझ में आया कि 22 का सी होगा या कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, समझ गया, याद रहेगा, कर दोगे एग्जाम में, कर दोगे एग्जाम में बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है बच्चों तुमको, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि मैच द टाइप्स ऑफ मटीरियल एंड द नेम ऑफ मटीरियल। तो टाइप्स ऑफ मटीरियल है, नेम ऑफ द मटीरियल है, क्या कह रहा है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर एंड सिरामिक्स। तो कौन कौन क्या क्या है बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए थर्मोप्लास्टिक कौन है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यहाँ पे कौन है, राइट राइट। तो कोई लड़का मुझे इसका आंसर बता दे, कोई लड़का इसका आंसर बता दे, कोई लड़का, एनीवन प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस, कैन एनी स्टूडेंट टेल मी द आंसर फॉर दिस, कि कौन सा है हमारा, चलो बच्चों आ जाइए। इसमें से सीएलॉन क्या है बच्चों, सीएलॉन जो है आपका सिलिकन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, सीएलॉन को सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन, ये है आपका सिरामिक्स, ये क्या है आपका सिरामिक्स है। तो आपका चार का हो जाएगा, पी का हो जाएगा बच्चों फोर, तुम तो अलग ही बता रहे हो, डी कैसे हो जाएगा यार, ये तो सबसे गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर डी तो सबसे रॉन्ग है, मोंडल जी, मोंडल जी ये तो सबसे रॉन्ग है,
ये तो गलत है, एकदम साफ साफ गलत है। सीएलॉन यही सिरामिक्स है, सिलिकन एल्युमिनियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर, तो ये सिरामिक्स है। मतलब इसका तो फोर होगा, ये तो क्लियर है। किसका? इसका फोर होगा, मतलब पी का फोर। चलिए तो एक तो क्लियर हो गया पी का फोर। अच्छा अब आइए पॉलीवेनाइल क्लोराइड। बच्चों पॉलीवेनाइल क्लोराइड में आप आएंगे तो पॉलीवेनाइल क्लोराइड जो क्यू है आपका, ये क्या है? पीवीसी। पीवीसी पूरा इंडिया जानता है क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी पाइप में यूज करते हैं, तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक। मतलब चार और एक, ऑप्शन ही छट गया। इसका राइट आंसर है ए, ए है, यही से छट गया ये हमारा। ओके तो पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। अब एक लड़का बोलेगा सर इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है बच्चों? तो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर आप बात करेंगे तो आपका इपॉक्सी जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको मे भी याद होगा, राइट? तो ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और लेटेक्स आपका क्या है? इलास्टोमर्स, इलास्टोमर है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें दो ही दो आपको ऐसा देगा कि जितना आप पढ़े उससे आप टिक कर लें। आपका आंसर देखिए बन गया। सीएलॉन कहां पढ़ते हैं हम लोग? सीएलॉन पढ़ते हैं मेटल कटिंग एंड मशीन टूल्स में, कटिंग टूल बनाते हैं इसका, सीएलॉन का हार्ड मटीरियल है, राइट? और पीवीसी क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो हमारा राइट आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया ए। इपॉक्सी क्या है बच्चों? इपॉक्सी आपका इलास्टोमर है, और लेटेक्स है आपका, लेटेक्स है आपका, राइट? और सॉरी इपॉक्सी है आपका ये दो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और लेटेक्स है आपका इलास्टोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन करा, जल्दी से इसका आंसर बताइए सारे लड़के। क्या कह रहा है इसका आंसर? इफ इन अ टर्निंग ऑपरेशन बोथ फीड रेट एंड द नोज रेडियस आर डबल्ड देन द सरफेस फिनिश वैल्यू विल बी। सारे लड़के लेटेक्स रबर के लिए, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेटेक्स रबर के लिए बोल सकते हैं। चलिए जल्दी बताइए, इफ इन अ टर्निंग ऑपरेशन बोथ द फीड रेट एंड द नोज रेडियस आर डबल्ड, दोनों को डबल कर दिए बच्चों, राइट आंसर बताइएगा सारे लड़के। मतलब अगर F1 आपका फीड F है, R1 आपका R है, तो फीड रेट को भी डबल कर रहे हैं और नोज रेडियस को भी डबल कर रहे हैं, राइट? नोज रेडियस को भी डबल कर रहे हैं, तो बोल रहा है आपका सरफेस फिनिश वैल्यू। कोई लड़का आंसर बता दे इसका, कोई लड़का इसका आंसर बता दे एनीवन, प्लीज। कैन एनीवन टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस माय डियर फ्रेंड? कैन एनीवन टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस? बी बता रहे हैं इंक्रीज बाय 300%। 300 सौरदीप, तुम मेटल कटिंग पढ़ने आओ मेरे से सुबह में 9 बजे स्पेशल क्लास पे, मुझे फॉलो कर लो, मुझे फॉलो कर लो, आओ सुबह में पढ़ने के लिए 9 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल का, आ जाओ। भानु प्रताप बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, डिक्रीज बाय 50%, दैट इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों आप एच वन अगर निकालेंगे ना, एच मैक्स वन आपको मालूम है ये सरफेस, एच मैक्स जितना ज्यादा होगा रफनेस उतना ज्यादा होगा, सरफेस रफनेस मेजरमेंट करने का ही है। ये होगा आपका एफ स्क्वायर बाई 8R, आप पढ़े होंगे। और आप अगर एच मैक्स टू निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 2F² डिवाइडेड बाई 8 × 2R, ये आ जाएगा आपका 4, मतलब ये आ जाएगा 2 × F² / 8R। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एच मैक्स आपका क्या हो गया? डबल हो गया। तो सरफेस रफनेस अगर डबल हो रहा है तो सरफेस फिनिशिंग क्या होगा? इसका उल्टा होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है सरफेस फिनिशिंग, फिनिशिंग पूछ रहा है। एच मैक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रफनेस। तो रफनेस डबल हो गया मतलब 100%, रफनेस क्या हो गया? 2 times हो गया मतलब 100% हो गया। तो फिनिशिंग क्या होगा? रफनेस इंक्रीज कर गया 100%, तो सरफेस फिनिशिंग क्या हो गया? डिक्रीज कर जाएगा भाई 50%। उसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, ए इज द राइट आंसर। तो आई होप इट इज क्लियर बच्चों, बोलो ये समझ में आया? ये उल्टा इफेक्ट है, यहाँ पे आपसे सरफेस फिनिशिंग के बारे में पूछ रहा है, रफनेस के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये डिक्रीज कर जाएगा। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सरफेस फिनिशिंग को। बोलो ये तो करता है सरफेस फिनिशिंग को, राइट? सरफेस रफनेस को, सॉरी सरफेस रफनेस को। राइट तो ये सरफेस रफनेस करता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सरफेस फिनिशिंग। क्वेश्चन में पूछ रहा था सरफेस फिनिशिंग, इसीलिए हमने उल्टा इफेक्ट लिया, राइट?
चलो बच्चों सर कौन सा बुक में सब कॉन्सेप्ट मिलेगा मेरे लेक्चर में? मेरा लेक्चर जाके देखो, हर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। खुद मुझे तुम बोलोगे चार लेक्चर के बाद, सर थैंक यू, कुछ नहीं करना है तुम्हें, मुझे फॉलो करना है। ऊपर में तुम्हें दिख रहा है कि डेली फ्री स्पेशल क्लास 9 AM दिख रहा है ना, डेली फ्री स्पेशल क्लास। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाओ, मेरा लिंक है प्रोफाइल अनअकैडमी का, मुझे फॉलो कर लो। सी ऑल में जाना, लेक्चर नंबर 1 मेटल कटिंग फ्री है एकदम, जाके देखो और फिर मुझे बताना कि अयाज सर क्या मजा आया या नहीं मजा आया। पूरा मेटल कटिंग जीरो से बच्चों एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाला हुआ है आपके लिए। आप जब देखेंगे, आप इंटर करने में अयाज 10 कोड यूज कीजिएगा, आपका अनलॉक कोड है, इस कोड को यूज करके आप आराम से फ्री में देख सकते हैं, राइट, अयाज 10। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये बताओ, जल्दी बताइए सारे लड़के, एवरीवन, द साइज ऑफ बिल्डअप एज, BUE, द साइज ऑफ बिल्डअप एज इन मेटल कटिंग इंक्रीजेस विद, यूट्यूब पे या अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे? अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे है, सौरदीप जी, सौरदीप मंडल, अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप ये बुक ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं इसी बुक से पढ़ता हूँ, अगर चाहिए तो ये बुक पढ़िए मुझे, ये वाला बहुत ही बढ़िया बुक है, पूरे इंडिया में इससे अच्छी किताब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई नहीं मेरे हिसाब से, सब आदमी का अपना अलग अलग होता है, मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट बुक मैन्युफैक्चरिंग साइंस, घोष एंड मलिक, राइट, एकदम पतली सी किताब है लेकिन अल्टीमेट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। चलिए चलो चलो बच्चों, द साइज ऑफ BUE इन मेटल कटिंग, BUE बिल्डअप एज का साइज कैसे बढ़ेगा, बिल्डअप एज का साइज मेटल कटिंग में इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए। जितना ज्यादा जल्दी से, एवरीवन एवरीवन, वेरी हाई, हाई कटिंग स्पीड में तो घट जाता है, नहीं 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 गलत बता रहे, हाई कटिंग स्पीड में बिल्कुल गलत बता रहे, बिल्कुल गलत बता रहे। सौरदीप जी मुझे आप फॉलो कर ले, आपको बहुत आराम होगा, जैसा ही आप मुझे फॉलो करेंगे आपको बहुत ही ज्यादा आराम होगा, राइट, बहुत ही ज्यादा आपको आराम होगा, मुझे फॉलो कर ले जल्दी, इसका आंसर बताए सारे लड़के, एवरीवन 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 प्लीज टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस। एवरीवन जल्दी से मुझे बता दे, बी, वेरी गुड वेरी गुड, लार्ज अनकट, वेरी गुड सौरदीप, वेरी गुड, लार्ज अनकट चिप थिकनेस, वेरी गुड भानु प्रताप, वेरी गुड, जितना ज्यादा लार्ज अनकट चिप थिकनेस होगा आपका, उतना ज्यादा आपका साइज होगा बिल्डअप पेजेस का बढ़ता। क्लास में इसको एक्सप्लेन किया हूं मैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, तो यहां पे मैं उतना जाऊंगा नहीं। तो द साइज ऑफ इन मेटल कटिंग में जो बिल्डअप पेज का है, द साइज ऑफ BUE इन मेटल कटिंग इंक्रीजेस विद द लार्ज अनकट चिप थिकनेस, राइट, बाकी सब आप यूज करेंगे तो बिल्डअप पेज का साइज घटता जाएगा। कटिंग स्पीड, अगर आपका कटिंग स्पीड कम होगा तो BUE बड़ा होगा, राइट, तो ये नहीं होगा। कटिंग फ्लूड अगर यूज करेंगे तब भी नहीं होगा, पॉजिटिव इनके रेक एंगल अगर बढ़ाएंगे तब भी आपका BUE का साइज क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से बताइए, टीथ ऑफ इंटरनल स्पर गियर कैन बी एक्यूरेटली कट, टीथ ऑफ इंटरनल स्पर गियर कैन बी एक्यूरेटली कट, राइट, इंटरनल स्पर गियर का टीथ एक्यूरेटली हम लोग कट कर सकते हैं कैसे, जल्दी से बताइएगा सारे लड़के। इंटरनल है, इंटरनल इंटरनल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हम लोग कर सकते हैं किससे, गियर शेपिंग से, याद रखिएगा इंटरनल स्पर गियर हमारा राइट आंसर है क्या है, गियर शेपिंग, गियर शेपिंग इज द राइट आंसर, ओके दैट इज द राइट आंसर, गियर शेपिंग, इसको आपको याद रखना है बच्चों। ये क्वेश्चन गेट में 2-3 बार रिपीट कर चुका है, 2000 इसमें भी आ चुका है, तो गियर शेपिंग से हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बना सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। सुमित कुमार, वेरी गुड, गियर शेपिंग, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बच्चों आई होप इट इज क्लियर, तो बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने देखा, जल्दी इसका आंसर बताइए सारे लड़के, इसका आंसर बताइए एवरीवन। सुमित कुमार, आई ऑल्सो इनवाइट यू इन माई मेटल कटिंग लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास, सर प्लीज ब्लैक बैकग्राउंड यूज किया कीजिए। अच्छा ठीक है मैं कल से करूंगा ब्लैक बैकग्राउंड, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, जल्दी इसका आंसर बताइए एवरीवन।
इसका आंसर बता दे मुझे सारे लड़के जल्दी से, जल्दी से मुझे सारे लड़के इसका आंसर बता दे। मिनिमम डायमेंशनल एंड फॉर्म एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन इन अ सिलेंड्रिकल बोर ऑफ ऑटोमोबाइल, मतलब बोर का सुपर फिनिशिंग या फिनिशिंग कैसे करते हैं बोर का बच्चों, बोर्स का कैसे करते हैं फिनिशिंग, तो कैसे करते हैं बच्चों बोर्स का हॉर्निंग प्रोसेस से। देखो लैपिंग भी आपका सुपर फिनिशिंग है, रीमिंग भी है, हॉर्निंग भी है, तो हॉर्निंग से हम लोग क्या करते हैं बच्चों बोर्स का सरफेस फिनिशिंग करते हैं। याद रखिएगा दीज ऑल आर सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, लैपिंग राइट, रीमिंग एंड हॉर्निंग, इसको याद रखिएगा, हॉर्निंग इज द राइट आंसर बोर्स का। चलिए तो 27 क्वेश्चन था बच्चों, हमने सारा क्वेश्चन किया, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि लड़के बहुत देर से ज्वाइन किए, लड़के लोगों ने किए नहीं, मैं एक बार आपको शुरू से दिखा दे रहा हूं राइट। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है आज बच्चों कि क्या किस चीज का बना होता है, लड़के उस वक्त थे नहीं, दो तीन लड़का था बस वही देख रहा था, तो हर चीजों को हम लोगों ने देखा वन बाई वन। तो जो नहीं देखे हैं मैच द फॉलोइंग बहुत सारा हम लोगों ने किया था राइट, मतलब डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आएगा, उतना इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाया कि उस वक्त लड़के देख ही नहीं रहे थे, बहुत कम लड़के थे। तो अब क्या करें, सेशन तो हो गया, अब आप वीडियो को पीछे करके अगर देखिएगा तो आपको बेनिफिट्स होगा, नहीं देखिएगा तो आपकी मर्जी, नहीं भी देख सकते हैं, देखेंगे तो फायदा होगा। तो रेलवे ट्रैक्स किस चीज से बनाते हैं याद हो गया, रेलवे सेक्शन रोलिंग से बनाएंगे। प्लास्टिक शीट्स किससे बनाएंगे, कैलेंडरिंग से, कैलेंडरिंग। बोल्ट्स किससे बनाते हैं, क्लोज डाई फोर्जिंग से, कोल्ड फॉर्मिंग से। और बियरिंग किससे बनाते हैं, पाउडर मेटलर्जी से, याद रखना है बियरिंग किससे बनाते हैं, पाउडर मेटलर्जी से। तो मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, आइए ये जो इंपॉर्टेंट, आइए ये देखिए। अब आपसे पूछता है कि हॉर्न कहाँ यूज करते हैं, यूएसएम में। लाइट कहाँ यूज करते हैं, लेजर बीम मशीनिंग में। ईडीएम इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीन में वायर एज अ कटिंग टूल यूज करते हैं। और नोजल यूज करते हैं कहाँ पे, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में। वैक्यूम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, ईसीएम में, अगर ईसीएम होता है यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ईबीएम अगर होता तो यहाँ पे वैक्यूम यूज करते हैं। सब याद रहना चाहिए, एग्जाम में आता रहता है भर भर के। चलो ये बताओ यहाँ पे क्या मैंने बताया, एब्रेसिव जेट मशीनिंग कहाँ यूज करते हैं, ड्रिलिंग फाइन होल, फाइन होल को ड्रिल करने में। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग कहाँ यूज करते हैं, इनग्रेविंग बनाने में। वायर कट ईडीएम, ईडीएम जब भी आएगा तो डाई आंसर आएगा, चाहे डाई आपका क्या ना, डाई सिंकिंग करने में या स्टैंपिंग ऑफ डाई करने में, कहीं भी आपका जब भी ईडीएम आएगा तो शॉर्टकट याद रखो डी, ईडीएम में डी आता है तो डाई वाला जितना ऑप्शन रहेगा सब ईडीएम से ही बनता है राइट। और केमिकल ग्राइंडिंग, केमिकल मशीनिंग का यूज करते हैं मास्किंग में राइट। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पीछे क्या है राइट, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं जल्दी जल्दी। अब आ जाइए कोल्ड रोलिंग बच्चों, कोल्ड रोलिंग उस मटेरियल का करेंगे जिसकी डक्टिलिटी क्या हो, अच्छी हो। जितनी ज्यादा आप कोल्ड रोलिंग करेंगे डक्टिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। मिलिंग के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, मशीनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ब्रेजिंग के लिए क्या अच्छी होनी चाहिए, वेल्डेबिलिटी, जितना ज्यादा वेल्डेबिलिटी अच्छा होगा ब्रेजिंग अच्छा होगा। और पाउडर मेटलर्जी जिसकी कंपैटिबिलिटी, दो मटेरियल जो आप पाउडर मेटलर्जी में पाउडर बनाते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी जितनी अच्छी होगी पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के लिए आप उसको यूज करेंगे राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, पूछ रहा है कि कौन सा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, कौन सा लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। तो आपको मैं सिंपल सा बच्चों बता रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिए आपको एग्जाम में फायदा होगा। कुछ पांच सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का नाम बताइए बच्चों, पांच मुझे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का, सारे लड़के आपको याद होगा जल्दी से बताइए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, पांच सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का नाम जल्दी से। सब लड़के देखते हैं आपको याद है कि नहीं, एग्जाम में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। चलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप लोग मुझे बताते जाइएगा। पहला आया सर फ्रिक्शन वेल्डिंग, सबको याद है फ्रिक्शन, सबको याद है फ्रिक्शन वेल्डिंग। चलो दूसरा सबको याद है डिफ्यूजन वेल्डिंग, क्या है बच्चों डिफ्यूजन वेल्डिंग, ये सॉलिड नाम याद रखना एग्जाम में आएगा। तीसरा बच्चों आपको याद होगा, तीसरा किसी लड़के को याद है कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। आकाश सिंह सोल्डरिंग, सोल्डरिंग सॉलिड स्टेट है बट कोल्ड वेल्डिंग। चौथा है आपका बच्चों एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। और पांचवा है बच्चों आपका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो ये पांच बच्चों हो गया आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। आप देखो यहां पे बोल रहा है कि कौन सा सॉलिड स्टेट, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या है बच्चों, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, मैंने मैच कर दिया एक्सप्लोसिव वेल्डिंग से। अच्छा आप पूछ रहे हैं लिक्विड स्टेट, देखो लिक्विड स्टेट तीन तरह का होता है, बस याद रखना एआरसी, क्या याद रखना एआरसी। देखो लिक्विड स्टेट जब भी आएगा मैं यहीं पे तुम्हें बता दे रहा हूं ताकि तुम याद रखो, तुम्हें एग्जाम में बस टिक करना है अच्छे से करेक्ट। देखो आ जाओ बच्चों, देखो
ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा ऐसा आ रहा है, सुनो गौर से, अगर मान लो तुम्हें पूछेगा कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक कौन कौन सा है, देखो सुनो, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट तीन तरह का होगा, आर्क याद रखना, आर्क, ए आर सी, क्या याद रखना, ए आर सी, ऑब्जेक्टिव में ये सब आएगा, ए आर सी, ए आर सी, आर्क, आर्क एकदम शॉर्टकट, मैं इसी तरह याद किया हूं, आर्क जो होता है लिक्विड स्टेट, तो ए मतलब आर्क वेल्डिंग, ए मतलब आर्क वेल्डिंग, राइट, आर मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और सी मतलब केमिकल वेल्डिंग, सी मतलब केमिकल वेल्डिंग, करेक्ट है। अब आर्क वेल्डिंग में जितना तरह का आर्क वेल्डिंग तुम जानते हो सब यहां पे आएगा बच्चों, जितना तरह का तुम आर्क वेल्डिंग जानते हो, क्या क्या जानते हो, देखो मैं लिखते जा रहा हूं, पहला तुम जानते हो समाओ, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, समाओ शील्डेड मेटल आर्क, दूसरा जानते हो गमाओ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जानते हो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम है मिग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तीसरा तुम जानते हो घटाओ, जी टी ए डब्ल्यू, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसी का दूसरा नाम है टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसी के बाद तुम्हारा आएगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, पानी जहाज के वेल्डिंग में यूज करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, तुम्हारा आएगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, पी ए डब्ल्यू, राइट, ये तुम्हारा सब का सब आ गया आर्क वेल्डिंग में। अच्छा रेजिस्टेंस वेल्डिंग तुम्हारा पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, याद रखना चार नाम बता रहे हैं इसको याद रखना, पहला है तुम्हारा स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा है तुम्हारा सिम वेल्डिंग, और तीसरा है तुम्हारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और लास्ट है तुम्हारा फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, राइट, फ्लैश बट वेल्डिंग, याद रखना ये सब रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। और केमिकल वेल्डिंग है बच्चों आपका आएगा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, और तुम्हारा केमिकल में आ जाएगा थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट क्या है, लिक्विड भी है और केमिकल भी है, थर्मिट क्या है, लिक्विड भी और केमिकल भी है, राइट, इसी में आता है बच्चों ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग बोलते हैं, गैस वेल्डिंग का ही दूसरा नाम है ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, इसको याद रखना, इस चार्ट से बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा, राइट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग गैस वेल्डिंग का ही दूसरा नाम है, याद रख गया, ए आर सी, आर्क, तो एक तुम्हारा हो गया सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, एक तुम्हारा हो गया लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और कुछ वेल्डिंग होता है जो सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड दोनों होता है, उसमें डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट पे, वो सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड दोनों हो सकता है, देखो अब तुम्हारा आंसर बन जाएगा सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड, इस कैटेगरी में अगर पूछे तो बोलना इसमें आया सर आपका आता है, पहला आता है सोल्डरिंग और दूसरा आता है आपका ब्रेजिंग, ये सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट के केस में आता है। अब चलो अब जो मैंने पढ़ा दिया अब तुम क्वेश्चन में टिक मारो, अब देखो क्या है, अब देखो अब तुम्हारा यही क्वेश्चन था ना, अब तुम आराम से बना दोगे, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग सॉलिड स्टेट मिला दिया, ब्रेजिंग क्या होता है, ब्रेजिंग सोल्डरिंग सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब दोनों पॉसिबल है सॉलिड लिक्विड स्टेट, थर्मिट वेल्डिंग क्या है, थर्मिट एंड वेल्डिंग एक तरह का लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, लेकिन लिक्विड में कौन सा है, केमिकल, तो लिक्विड स्टेट केमिकल वेल्डिंग इसका आंसर हो गया, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, राइट, ये क्या है तुम्हारा आर्क, ए आर सी, ये किसमें आएगा, लिक्विड स्टेट में, राइट, केमिकल तो होता नहीं इसलिए केमिकल से इसको मैच नहीं करेंगे, तो इसका आंसर हो गया 2 3 4 1। बोलो ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, सारे लड़के समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्या बताए थे, देखो मशीनिंग, मशीनिंग को किससे मिलाएंगे, मशीनिंग में क्या प्रॉब्लम आता है एसोसिएटेड, मशीनिंग में एसोसिएटेड प्रॉब्लम आता है बिल्डअप एज, कास्टिंग में आता है हॉट टीयर डिफेक्ट, हॉट टीयर डिफेक्ट है कास्टिंग में, वेल्डिंग में क्या आता है, वेल्डिंग में आता है हीट अफेक्टेड जोन, सबसे मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन किसमें होता है बच्चों, मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन किस वेल्डिंग टेक्निक में होता है, जल्दी बोलिए, और ड्रॉइंग का डिफेक्ट है क्या, डीप ड्रॉइंग का डिफेक्ट है रिंकलिंग, रिंकलिंग इज द डिफेक्ट ऑफ डीप ड्रॉइंग, टेल मी एवरीवन, सबसे हीट अफेक्टेड जोन मिनिमम होता है हमारा
लेजर में HAZ मिनिमम होता है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट, ये भी समझ गया आप। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको मैच करना था EDM को, तो EDM में हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक। ECM में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और USM में यूज करते हैं बच्चों एब्रेसिव स्लरी। क्या यूज करते हैं USM में, एब्रेसिव स्लरी, राइट। और आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या यूज करते हैं, वैक्यूम। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में क्या यूज करते हैं, वैक्यूम, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और मैग्नेटिक लेंस भी कभी कभी आ जाएगा, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक लेंस किस में यूज करते हैं, मैग्नेटिक लेंस, राइट। ये भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इधर आ जाइए। मशीन टूल बेड किस मटेरियल का बनाते हैं, कास्ट आयरन का। मशीन टूल बेड बनाते हैं कास्ट आयरन का। और मशीन टूल स्पिंडल किस चीज का बनाते हैं, फोर्ज्ड, फोर्जिंग करके बनाएंगे। जब भी जो स्पिंडल, मशीन टूल का जो स्पिंडल बनाते हैं फोर्जिंग मदद से। उसके बाद क्या है आपका कटिंग टूल, कटिंग टूल किसका बना रहे हैं, HSS हाई स्पीड स्टील का। और वॉर्म व्हील बनाते हैं ब्रॉन्ज का। अच्छा, ब्रॉन्ज का कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, ब्रॉन्ज का कंपोजिशन होता है, ब्रॉन्ज मतलब कास्ट से, इसका होता है टीन, SN और कॉपर, राइट। मतलब SN टीन प्लस कॉपर, राइट, टीन प्लस कॉपर, टीन और तांबा, याद रखिएगा ब्रॉन्ज, राइट। चलिए इसके बाद आ जाइए आप यहां पे। कास्टिंग उस मटेरियल की अच्छी होगी जिसकी फ्लूइडिटी अच्छी होगी, जितना ज्यादा फ्लूइडिटी होगी उतनी अच्छी कास्टिंग। मैलियबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपका एसोसिएटेड है फोर्जिंग से, जितना ज्यादा आप उसको चपटा करेंगे कॉम्प्रेसिव लोड लगा के, राइट। और वायर ड्रॉइंग के लिए डक्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल उतना ज्यादा ड्रॉ होगा। और टर्निंग एसोसिएटेड किससे है, मशीनेबिलिटी से, टर्निंग एसोसिएटेड विद मशीनेबिलिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। बोल रहा है कि 10 mm स्क्वायर होल, एक 10 mm स्क्वायर होल हमें बनाना है किसमें, ग्लास प्लेट में। ग्लास क्या है, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल में किस चीज का यूज करेंगे हम लोग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का ब्रिटल मटेरियल में मशीनिंग करने के लिए यूज करेंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये सब बता चुके हैं आपको बच्चों। EDM में हमारा क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इन EDM, मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन हमारा क्या है, मटेरियल रिमूवल, द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इन EDM इज मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। आई होप इट इज क्लियर, ओके बच्चों। नेक्स्ट आपको बताए 3-2-1 प्रिंसिपल में नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 9। नंबर ऑफ अलाउड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। तो इसका रेशियो कितना होता है, 9/3, 3। ये भी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। उसके बाद बच्चों ECM में MRR किस पे डिपेंड करता है, आयन डिस्प्लेसमेंट पे, आयन डिस्प्लेसमेंट पे ECM में MRR डिपेंड करता है बच्चों। उसके बाद क्या है आपका, बोल रहा है कि डीप होल ड्रिलिंग करना है 0.2 mm विद EDM। तो EDM में कौन सा टूल मटेरियल यूज करेंगे हम लोग बहुत ही स्मॉल होल ड्रिल करने के लिए, तो हम लोग टंगस्टन वायर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टंगस्टन वायर जो है ये हाई टेम्परेचर भी विदस्टैंड कर लेगा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और बिना बर्न हुए हुए, राइट, और होल भी कर देगा। दूसरा मटेरियल लेंगे तो क्योंकि इतना छोटा एरिया पे जाएगा क्योंकि हीट वहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो अदर टूल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके मेल्ट होने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, टंगस्टन वायर लेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है टंगस्टन का, राइट। पूछ रहा है कि EDM में टूल मटेरियल कौन होता है बच्चों, तो EDM का टूल होता है हमारा जनरली कॉपर यूज करते हैं, और अगर बहुत ही स्मॉल होल को करना होगा तो टंगस्टन का वायर यूज करते हैं हाई टेम्परेचर विदस्टैंड करने के लिए वहां पे। EDM में ऐसे पूछेगा जनरल तो कॉपर, राइट, राइट बच्चों। और हमने बता दिया USM में अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हम लोग किस में प्रीफर करेंगे, ब्रिटल मटेरियल के लिए, ग्लास के लिए। और ब्रिटल मटेरियल का टफनेस क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया कि MRR उसकी अच्छी होगी जिसका लोअर टफनेस होगा और जिसकी ब्रिटलनेस ज्यादा होगी। ये सब हमने बता दिया बच्चों। USM में अगर आप ग्रेन साइज को बढ़ाएंगे तो MRR फर्स्ट इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार एग्जाम में आता है कि ग्रेन साइज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ओके। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इन ECM द MRR विल बी हायर, हायर कब होगा, जब आपका एटॉमिक वेट या केमिकल वेट जितना ज्यादा होगा MRR उतना ज्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है MRR, ओके बच्चों। तो आई होप इट इज क्लियर माय डियर फ्रेंड। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, लाइक बटन दबाते रहिएगा बच्चों, और लाइक बटन सारे लड़के दबा दीजिए। आप लोग टाइमली ज्वाइन नहीं करते हैं, लीड गेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, लीड गेट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल्स को, और मेरा डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल दिया हुआ है अनअकैडमी का, उसके थ्रू आप मुझे फॉलो कर ले अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपको मेरे सारे फ्री लेक्चर्स आपको एक्सेस हो जाएंगे, ओके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।
ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी विद द प्रोफाइल लिंक्स गिवन ऑन डिस्क्रिप्शंस. ओके तो लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी एंड सब्सक्राइब द गेट लीड यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल्स एंड यूज आयास्टन कोड टू अनलॉक माई फ्री स्पेशल क्लास एज वेल एज फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस. थैंक यू एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू. बाय. कल फिर मिलेंगे सुबह में 9 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन के साथ. ग्राइंडिंग ऑपरेशन. ओके बाय.